लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आकर्षिता वाइब्स। आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ दोबारा से एक बहुत खूबसूरत जगह पर। केरला में मैं रोज़ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करती रहती हूँ और आज मैं एक्सप्लोर करते करते आई हूँ केरला के पूमला डैम पर। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसा ही टाइम देखती हूँ जहाँ पे लोग ना हों ताकि मैं शूटिंग अच्छे से कर पाऊँ। अदरवाइज़ जब से ये YouTube खोला है उसके बाद तो मुझे पहचानने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, मेरी वीडियो हाफ रह जाती है। सो अब मैं आई हुई हूँ पूमला डैम पे। पूमला डैम त्रिशूर से थोड़ी ही दूरी पर है और अभी हम लोग डैम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अभी वाटर एक कह सकते हैं स्टैटिक लेवल पर है। ये पूमला डैम के नाम से जानी जाती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस जगह को यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो पानी है ना ये इरिगेशन में हेल्प करता है। और केरला में जितनी भी ग्रीनरी मेंटेन्ड है आप देख सकते हो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी, तो यहाँ पर इरिगेशन के लिए इस पानी को यूज़ किया जाता है। अभी मेरे पास यही जानकारी है और बस इतनी जानकारी और है। दिस डैम वॉज डेवलप्ड इन 1939। और खूबसूरती के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ और आप सब लोग देख भी सकते हैं। ज़्यादा पास गई तो पता नहीं ये कितना ज़्यादा डीप हो सकता है, तो ज़्यादा पास मुझे नहीं जाना है। जो अक्सर कर होता है ब्लॉगर्स काफ़ी ज़्यादा पास चले जाते हैं फिर आते ही नहीं है, पर मैं इतना पास नहीं जाऊँगी। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। केरला में जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ काफ़ी सारी जगहें घूमने के लिए आप घूम सकते हैं, लेकिन केरला की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है आप केरला में किसी भी जगह जाएं वहाँ पर आपको मिलेगा पीस। अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है कम लोग हैं यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पर कितना भी क्राउड क्यों ना हो आपको पीस ज़रूर मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर वाटर है, और वाटर तो होगा ही ऑब्वियसली, पूमला डैम पर है हम लोग। बट द रियल थिंग इज़ देयर इज़ लॉट ऑफ पीस, ग्रीनरी। आजकल ग्रीनरी डिस्टिंक्ट होती जा रही है, नहीं है, हम लोग ट्रीज भी प्लांट नहीं करते हैं। और अगर हम लोग देखें हमारे इंडिया के कुछ अदर पार्ट्स में तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि मेट्रो सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल थिंग है वो डिस्टिंक्ट होती जा रही है, जो केरला के पास अभी भी प्रिजर्व्ड है और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको ये सारी वीडियोस में बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ व्हाई केरला इज़ ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द रीज़न यू कैन सी एनी वीडियो यू सी वट एवर आई एम शूटिंग इन केरला, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट माई 7th मंथ। इन दिस पास्ट 7 मंथ्स वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ इट्स ब्यूटी, इट्स ग्रीनरी। ग्रीनरी और ब्यूटी से सबसे मेन बात यह है इनकी वजह से हम जी रहे हैं, सबसे मेन बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आने के बाद जो हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है वो सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसी जगहों पे आना हमेशा से पसंद रहा था। लेकिन यहाँ केरला में आने के बाद मैं एक एक मोमेंट जी पा रही हूँ और शायद आप लोग भी मेरे इन वीडियोज़ को देख के थोड़ा बहुत जी पा रहे होंगे। आई थिंक सो दिस इज द ओनली रीजन आई एम शोइंग यू अगेन एंड अगेन सच थिंग्स एंड सच प्लेसेस।
यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ आइए। ये है रबर एस्टेट। जैसे कि हम सब ने बुक्स में पढ़ा है, मैंने तो बुक्स में पढ़ा है, केरला के बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। और केरला के साथ साथ काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, बट केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, जैसे कि मैं भी पहली बार देख रही हूँ, यू कैन कम नियर। ये एक रबर प्लांट है जिसमें ये पॉलिथीन टाइप की लगाई जाती है, जितना मुझे पता है, मैं आपको वही इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। इसमें रबर कलेक्ट होती रहती है इन अ मिल्की फॉर्म। अभी हम लोग शेयर नहीं देख सकते इस सबको, बिकॉज दैट इज़ अबव माई हाइट। ओके, माई हाइट इज़ 5'5", बट इट इज़ मोर देन दैट। सो इसमें रबर कलेक्ट होती है एक मिल्क के फॉर्म में, और उसके बाद उसको प्रोसेस और ड्राई जैसे भी किया जाता है वो मुझे नहीं पता है, बट दिस इज़ द मेजर पॉइंट। इन केरला आपको काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे रबर एस्टेट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो इस पूरे रबर एस्टेट को, हर पेड़ के ऊपर, हर आप कह सकते हो हर ट्री के ऊपर एक पॉलिथीन टाइप की अटैच्ड है जो कवर कर रही है। और शायद अगर मैं देख सकती हूँ तो यहाँ पर एक राउंड व्हाट वी कैन से बाउल टाइप का है, जिसके अंदर शायद ये रबर आके कलेक्ट होती है। और दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहूँगी, इस रबड़ के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं आपके टायर्स में, स्लीपर्स में, और रबड़ को हम काफ़ी सारी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो जितनी भी रबड़ आ रही है हमारे पास लार्ज अमाउंट में, उस सब के पीछे का रीज़न है ये। फाइनली ऐसी जगह आ चुके हैं जिनका हम गानों में सुना करते थे। यहाँ पर शायद आपको इस वीडियो में वो शोर सुनाई दे रहा हो जो मुझे दे रहा है, जो कि शोर नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकें, सो देयर इज दैट डैम, दैट ब्यूटीफुल डैम। हम लोग पास में बस जा ही रहे हैं, आप मेरे साथ चलते रहिए। देख रहे हैं ये है पूमला डैम का शटर। नॉर्मली अगर आप आएंगे तो आपको ये बंद दिखेगा, बट बिकॉज केरला में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी येलो अलर्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से ये सारे जो शटर्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नो मैंने तो ऐसा नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए ब्यूटीफुल है। केरला में आके मैं ये सब देखने लगी हूँ। सो दिस इज डैम शटर ऑफ पूमला। ये सारी जगह आपको सिर्फ आकर्षक हवाई पे देखने को मिलेगी। ये सारी वो जगह है जो आपको केरला के जो लोकल लोग हैं वो दिखा सकते हैं, या जिसमें काफी ज्यादा जानकारी है। जितने भी लोग इन सारी जगहों को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज कमेंट किए, मुझे भी इसको पता चले मेरे साथ साथ कौन कौन घूम रहा है। कम अब हम चलते हैं दूसरी जगह। एक जगह के दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब मैं ढूंढने जा रही हूँ और ऐसी जगह केरला के अंदर जिनको लोकल लोग ही जानते हों। मींस टूरिस्ट को ज़्यादातर ऐसी जगह नहीं लाया जाता है, बिकॉज उन्हें जानकारी नहीं होती कि इतनी खूबसूरत जगह भी है इन साइड। उन्हें सिर्फ वेरी वेरी फेमस जगहों पे लेके जाया जाता है। तो हम जा रहे हैं इन जगहों पर। अब आप लोग मुझे बताइए, इसके बाद नेक्स्ट जगह आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये सारी वो जगह हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने कभी ना कभी मेरे को बोला था कि आप इन जगहों पर जाओ, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। अब आप लोग नेक्स्ट जगह कमेंट करके बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अभी तो मैं तो यहाँ पर एंजॉय काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ, एंजॉय विद दिस नेचर एंड दिस पीस। आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय कीजिए ना, आप भी इस चीज़ को फील कीजिए कि जब आप ऐसे नेचर की गोद में होते हैं, मदर अर्थ के पास होते हैं, तो आपको कैसा लगता है।